हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफी महिमा है, इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सबसे दाईं तरफ स्थित है, बीच में उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है और दाईं तरफ उनके बड़े भाई बलभद्र यानी कि बलराम विराजते हैं। हर साल ओडिशा प्रांत के पुरी जिले में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल 14 जुलाई को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई थी। यह परंपरा पिछले लगभग 500 सालों से चली आ रही है। इस रथ यात्रा से कई तरह की मान्यताएं जुड़ी है। इसी के साथ इस यात्रा को खुद जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई तरह चौंकाने वाली बड़ी बातें जुड़ी है। मंदिर के पास हवा की दिशा भी हैरान करती है। ज्यादातर समुद्री तटों पर हवा समंदर से जमीन की तरफ चलती है, लेकिन पुरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हवा जमीन से समंदर की तरफ चलती है और यह भी किसी रहस्य से कम नहीं है। आम दिनों में हवा समंदर से जमीन की तरफ चलती है, लेकिन शाम के वक्त ऐसा नहीं होता है। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर की इतनी ऊंचाई के कारण ही पास खड़े होकर भी आप गुंबद नहीं देख सकते। विज्ञान के अनुसार किसी भी चीज पर सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी छाया जरूर बनती है, मगर इस मंदिर के शिखर की कोई छाया या परछाई नहीं दिखती है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी आज तक उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी या कोई भी चिड़िया उड़ते हुए नहीं दिखाई देती है। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर विमान उड़ाना भी निषेध है। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। मान्यता है कि कितने भी श्रद्धालु मंदिर आ जाए, लेकिन अन्न कभी भी खत्म नहीं होता। मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक से एक सारे प्रसाद पक जाते हैं। इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र मंदिर की शान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप उसे कहीं से भी देख ले, यह आपको सीधा ही नजर आएगा। अष्ट धातु से निर्मित यह चक्र बेहद पवित्र माना जाता है। करीब 200 साल पहले इसे मंदिर में स्थापित किया गया था। जो इसको स्थापित करने की तकनीक आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करने के बाद मंदिर के अंदर समंदर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा भी हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। इसके अलावा मंदिर में हमेशा 20 फीट का ट्रायंगुलर ध्वज लहराता है। इसे रोजाना बदला जाता है। एक पुजारी मंदिर में 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। इसे बदलने का जिम्मा चोला परिवार पर है। वह इसे 800 साल से करता चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि अगर ध्वजा रोज नहीं बदली गई तो मंदिर 18 सालों तक अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ जगन्नाथ जी के साथ के मंदिर में भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी है। तीनों की मूर्तियाँ कास्ट की बनी हुई है। 12वें वर्ष में एक बार प्रतिमा नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन इनका आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। पुरानी मूर्तियों को दफना दिया जाता है। कहते हैं कि यह मूर्तियाँ अपने आप विघटित हो जाती है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे छोटे या बड़े माने तो मंदिर है। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे छोटे और बड़े मंदिर स्थापित है।